विधिक साक्षरता शिविर के माध्यम से विद्यार्थियों एवं जनमानस को जागरूक करने जागरूकता शिविर आयोजित कर कानूनी विषयों पर न्यायाधीश गणों के द्वारा ग्रामीण स्तर एवं विद्यालयों में दी जा रही विधिक सहायता की जानकारियां। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश एवं प्लान ऑफ एक्शन 2022-23 के तहत कानूनी विषयों पर न्यायाधीश गणों के द्वारा ग्रामीण स्तर एवं विद्यालयों में समय समय पर विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें न्यायाधीश गण बाल अधिकार, बाल श्रम, पर्यावरण, विधिक सेवा योजनाओं तथा जनोपयोगी सेवाओं के विषयों पर विशेष रूप से ध्यान आकर्षित कर कानूनी जानकारी से अवगत कराया जा रहा है। गौरतलब है कि प्रायः ये देखा गया है कि विद्यार्थियों को कानूनों की जानकारी नहीं होने के कारण वे अपराध कारित कर देते हैं। विद्यार्थी को विशेष रूप में कानून की जानकारी दिए जाने से उनके भविष्य को दिशाहीन होने से रोका जा सकता है। कई विद्यार्थी यातायात कानून का उल्लंघन करते पाए जाते हैं। युवा वर्ग नशे की गिरफ्त में त्वरित गति से फंसते जा रहे हैं और नशे के प्रभाव से अपना जीवन तथा अपने परिवार का जीवन समाप्त करने की कगार पर पहुंच जा रहे हैं। जनमानस को जनोपयोगी सेवाओं के मामलों की सुनवाई के लिए दुर्ग में स्थापित स्थायी लोक अदालत जनोपयोगी सेवा के संबंध में जानकारी दी गई। वरिष्ठ जनों को एवं महिलाओं के लिए भरण पोषण से संबंधित अधिनियम की जानकारियां प्रदान की गई। इसी कड़ी में शासकीय जेआरडी स्कूल आदर्श कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला महात्मा गांधी स्कूल, शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला पुलगांव, वृद्धाश्रम दुर्ग में न्यायाधीश गणों के द्वारा विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया, जिनमें न्यायाधीश संजीव कुमार तामक, आनंद प्रकाश वारियल, ताजुद्दीन आसिफ एवं उमेश उपाध्याय उपस्थित रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।